नंबर एक, सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो होना चाहिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। हर एक सैलरीड प्रोफेशनल को 1.5 लाख का एक लिमिट मिलता है थ्रू विच दे कैन सेव ऑन देयर टैक्सेबल इनकम एंड इवेंचुअली टैक्सेस, एंड उसका एक हिस्सा होता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये वो म्यूचुअल फंड है जो कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 3 साल तक आपका पैसा लॉक्ड इन रहता है, उससे पहले आप ये पैसा नहीं निकाल सकते। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज जितना भी पैसा आप ELSS में डालेंगे उतना 100% आपके 1.5 लाख की जो सेक्शन 80 की लिमिट है उससे डिडक्ट हो जाएगा, विच मींस आप उतना ही पैसा इन टैक्सेबल इनकम बचा पाएंगे, एंड दैट इज अ स्मार्ट हैक टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। नंबर दो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड को क्विट कब करना चाहिए, एंड अ सिंपल यार्ड स्टिक फॉर दैट इज कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपके इंडेक्स को एंड निफ्टी 50 आप लेके चल सकते हैं एज द बेंचमार्क इंडेक्स। निफ्टी 50 हिंदुस्तान के टॉप 50 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो जिस रफ्तार से निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है आपको आइडियली उससे बेटर ही ग्रो करना है, वरना तो निफ्टी 50 में ही डाल दीजिए। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड 2 लगातार साल निफ्टी 50 के ग्रोथ रेट से कम है तो प्लीज उस म्यूचुअल फंड से क्विट करिए, बिकॉज यू हैव स्पेंड इनफ टाइम इन टेस्टिंग इट। अब अगर होगा भी तो 2 साल वैसे भी लॉस है, तो उसको बहुत ज्यादा रिकवर करना पड़ेगा टू गेट देयर, एंड यू आर बेटर ऑफ इन सेलिंग इट एंड मेकिंग योर मनी ग्रो फास्टर समवेयर एल्स। नंबर 3, म्यूचुअल फंड खरीदते हुए NAV नेट एसेट वैल्यू पे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो जैसे कि हम स्टॉक्स एक कंपनी का खरीदते हैं और उसका एक स्टॉक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का NAV होता है जो इक्विवेलेंट ऑफ अ स्टॉक प्राइस है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कम NAV मतलब बेटर म्यूचुअल फंड, ना। ज्यादा NAV मतलब महंगा म्यूचुअल फंड, ना। NAV इज जस्ट अ नंबर। आप NAV पे देख के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, आप उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखिए, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू बेट ऑन। एंड उसके चलते बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट NAV शुड नॉट बी अ रीजन कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट डिटरमिन्स द ग्रोथ और द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। नंबर 4, देयर इज समथिंग कॉल्ड NFO, न्यू फंड ऑफर। इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ IPO बट फॉर म्यूचुअल फंड। तो जैसे एक नई कंपनी जब पहली बार पब्लिक जाती है तो वो एक IPO निकालती है, वैसे एक म्यूचुअल फंड जब पब्लिक जाता है तो वो एक NFO निकालता है। बहुत लोगों को लगता है कि NFO इज अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट। मेरा मानना है नहीं, एंड देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड। जैसे कि IPO में भी आप देखते हैं, IPO में द ओनली ऑब्जेक्टिव द कंपनी हैज इज ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इन्वेस्टर से उठा पाए, वेदर इट्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स। सिमिलरली NFO का भी मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इन्वेस्टर से उठा पाए, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या रिटेल हो। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव अभी किसी को रिटर्न देना नहीं है, वो तो पैसा उठाने के बाद होगा, उनका ऑब्जेक्टिव है अभी ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा पाना। एंड दैट मीन्स इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कंपनी, नॉट यू। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा उस म्यूचुअल फंड को देंगे, दैट मींस उनकी वैल्यूएशन, उनका स्केल, उनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, वो सब कुछ उनके लिए बने हुए हैं, सो दैट दे एक्सट्रैक्ट द मोस्ट मनी फ्रॉम यू, इसलिए नहीं कि आपको सबसे बेटर रिटर्न मिले। सो अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड इज इन अ रनिंग म्यूचुअल फंड, जहां आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, आपके पास उस साइज, उस म्यूचुअल फंड का साइज है, जिस इज दैट्स कॉल्ड AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने करोड़ रुपए उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। आपको ये भी पता है कि उसकी कितनी वॉलिटिलिटी है, मतलब कितना उतार चढ़ाव होता है एज कंपेयर्ड टू द इंडेक्स, एंड दीज शुड बी द रीजंस व्हाई यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। NFO से मेरा मानना है जितना दूर रह सकते हैं अच्छा है, बिकॉज देयर आर इनफ एंड मोर हाई क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स जो रनिंग है एंड उनका हिस्टोरिकल बेंचमार्क है फॉर यू टू बेट। नंबर 5, और ये 2023 के लिए बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए दोस्त, कुछ भी हो जाए, म्यूचुअल फंड के SIPs को आप कभी रोकेंगे नहीं। हां, एक ही रीजन है कि खुदा ना खास्ता आपके पास पैसे ही नहीं, लेकिन इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि मार्केट कम है, रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, अभी पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि SIP का मेन मकसद ही है कि आपके प्राइस को एवरेज आउट करना। फर्ज करिए कि आप एक म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं जिसका NAV 10 रुपए है, तो अगर आप 100 रुपए का SIP करते हैं तो आप उसके 10 यूनिट खरीदते हैं। अगर वही
₹5 हो गया, क्योंकि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, मार्केट डाउन परफॉर्म कर रही है, रिसेशन आ गया है, कुछ ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आप उसी ₹100 के अब इस म्यूचुअल फंड के 20 यूनिट खरीदेंगे जिस महीने आप इसको ₹5 पे खरीदेंगे। अब वो 20 यूनिट तो आप ही के हुए ना दोस्त, तो कल को जब मार्केट वापस आएगी शायद इसी 5 के ₹11 हो जाएंगे, ₹12 हो जाएंगे, तो वही 20 यूनिट आपके पास होंगे, लेकिन अब उनकी वैल्यू 11 या ₹12 होगी या व्हाटएवर दैट केस इज, एंड दैट इज हाउ SIPs हेल्प। यही अगर प्राइस ₹20 होगा तो आप उस महीने सिर्फ 5 ही यूनिट खरीद पाएंगे, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल। जैसे ही आप इस पूरे SIP को ओवर अ लॉन्ग पीरियड देखेंगे, यू विल सी दैट इट गिव्स यू एन एवरेज कॉस्ट व्हिच इज अ गुड वे फॉर यू टू इन्वेस्ट। तो कुछ भी हो जाए अपने SIP नहीं रोकने। 6, मुझे इतनी सारी ईमेल्स आती हैं जो लोग बोलते हैं हमारा SIP चल रहा है और ये है वो सारे म्यूचुअल फंड जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, एंड 12 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट होती है, 8 म्यूचुअल फंड की लिस्ट होती है, 500 रुपए इधर डाले हुए हैं, इधर डाले हुए हैं, 1000 डाले हुए हैं, यहां कहीं डाले हुए हैं, वहां कहीं डाले हुए हैं। दोस्त, डिवर्सिफाई करना अच्छी चीज है, लेकिन इतना डिवर्सिफाई करना तो बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको यह देखना होगा कि इस म्यूचुअल फंड में वो किस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो पब्लिक डेटा होता है। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं जहां उन्होंने से HDFC के स्टॉक लिए हुए हैं, और आपने एक और म्यूचुअल फंड खरीद लिया जिन्होंने भी HDFC के स्टॉक लिए हुए हैं, फिर आपने एक और म्यूचुअल फंड खरीद लिया जिसने भी HDFC का स्टॉक लिया हुआ है, तो आप बस HDFC का स्टॉक ही ले रहे हैं, और वो एक म्यूचुअल फंड से भी चल सकता है। सो यू हैव टू, इन माई ओपिनियन, नॉट नीड मोर देन 3 to 5 म्यूचुअल फंड, मतलब 5 भी बहुत ज्यादा है, 3 से बिल्कुल हो सकता है। मैंने 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, एक पराग पारिक म्यूचुअल फंड है, और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। यही 3 है जिसमें मुझे पता है कि मेरी अच्छे से ग्रोथ आएगी ऑफ एनीवेयर बिटवीन होपफुली 14 to 16-18% अ ईयर कंपाउंडेड ओवर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड मैं इससे बहुत खुश हूं। दैट विल बी द वे दैट आई वुड प्रपोज टू यू एज वेल। कभी भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मत खरीदिए, सिर्फ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क के अनुसार, एंड देन यू स्प्रेड इट। हियर इज माय बेस्ट सजेशन, अगर आपके पास ₹100 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एंड अगर आप फर्ज करें अपने 20s में, The good mix for you will be 65 rupees, मतलब 65% आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का या SIPs का जाना चाहिए इन अ लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। निफ्टी 50, जैसे मैंने बताया, सबसे सेफ एंड बढ़िया है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, HDFC, SBI, जो भी आप लेना चाहते हैं, सब ऑलमोस्ट सेम ही है। निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड 65% देयर, अराउंड 20 to 25% इन मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो निफ्टी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक मिड कैप भी होता है, विच आर कंपनीज दैट आर बिटवीन 7,000 and 20,000 crores ऑफ वैल्यूएशन, उन कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। ये कंपनीज लार्ज कैप जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसी ग्रोथ पोटेंशियल के चलते वॉलिटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव भी बहुत है। सो यू आर ओनली इन्वेस्टिंग अबाउट 20 to 25%, और जो रिमेनिंग है 15 से 20%, दैट्स वेयर यू विल इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स वो कंपनीज हैं जो 7 करोड़ से कम वैल्यू की हैं, दे हैव मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि छोटी कंपनी है तो कोई मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड हो गया, कहीं रिसेशन आ गया, कहीं कोविड आ गया, तो इनका इंपैक्ट ज्यादा होता है इन पे, एंड लार्ज कंपनीज आर एबल टू विदस्टैंड दैट इंपैक्ट, तो इनके उतार चढ़ाव और भी ज्यादा होंगे, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर लाइकली टू गिव यू बेटर रिटर्न्स देन मिड कैप, and mid cap is likely to give you better returns than nifty 50. तो आप nifty 50 से क्या कर रहे हैं? Stable growth हासिल कर रहे हैं, mid cap से आप थोड़ी सी excitement ला रहे हैं, and then small cap से आप बहुत बढ़िया growth ला रहे हैं, and that mix of 65%, 20-25% and then 15-20% is brilliant, ताकि आपको वो अच्छा सा risk managed portfolio मिले, which you can use for a long term perspective. This will be my way of doing it, लेकिन SIP नहीं रोकने हैं, and don't need to invest in more than 3 to 5 funds. इसी के चलते नंबर 7, इंडेक्स म्यूचुअल फंड सेक्टर म्यूचुअल फंड से कई बेटर होते हैं, बिकॉज नंबर 1, इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक रीजन से इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, वो बेसिकली टॉप स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है, चाहे वो निफ्टी 50 हो या मिड कैप 100 हो या स्मॉल कैप 100 हो, दीज आर द टॉप कंपनीज इन दैट इंडेक्स या इन दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वो उन कंपनीज को ट्रैक कर रहा है इन द रेशियो ऑफ देयर मार्केट वैल्यूएशन। तो दिस
इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन किसी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में आपने डाला हुआ है. आपने टेक म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, बैंकिंग म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. माय सजेशन विल बी कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से हैं, एंड दे विल देन राइड द ग्रोथ फॉर यू इन अ फेयरली रिस्क मैनेज्ड मैनर. रिस्क फ्री तो नहीं हो सकता देन अ सेक्टोरल म्यूचुअल फंड. नंबर 8, म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी के नहीं होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो कि आपको एक फिक्स्ड इनकम देते हैं जैसे कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट देता है. लेकिन अगर आपको फिक्स्ड इनकम ही चाहिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो. बहुत सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है जितना कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट दे सकता है. दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के लिए यूज करिए. अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो नेशनल सेविंग स्कीम्स में डालिए, प्रोविडेंट फंड में डालिए जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या आप ऑफकोर्स फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, या आप गोल्ड खरीद लीजिए. यार वो भी फिक्स्ड इनकम नहीं है बट ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल इनकम है. लेकिन म्यूचुअल फंड को आप इक्विटीज के लिए यूज करें बिकॉज लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करेंगे, 10, 15, 20 साल तक SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे एंड दैट विल क्रिएट ब्रिलियंट वेल्थ फॉर यू ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम एज अगेंस्ट आपने वो म्यूचुअल फंड डेट में डाल दिया या फिक्स्ड इनकम में डाल दिया या मिक्स्ड में डाल दिया जहां डेट और इक्विटी दोनों है. उसको कंफ्यूज मत करिए. डेट के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, वहीं जाइए. इक्विटी के लिए म्यूचुअल फंड यूज करिए. एंड फाइनली हैक नंबर 9, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, बहुत लोगों के पास लमसम अमाउंट होता है, वो पूछते हैं कि इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए, प्लीज डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट. हम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है ये जानने के लिए कि मार्केट का बॉटम कहां आ चुका है और यहां मैं खरीद लूं, मार्केट का टॉप कहां आ चुका है वहां मैं बेच दूं. ये बहुत मुश्किल आर्ट है, बहुत टेक्निकल आर्ट है एंड कम से कम मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, सो आई विल नॉट सजेस्ट दैट टू एनीबॉडी. द वे दैट आई वुड इन्वेस्ट लमसम अमाउंट्स इज टू एक्चुअली कन्वर्ट दैट इनटू SIP. ये मेरा तरीका होता है. जो भी लमसम अमाउंट है, फर्ज करिए 100 रुपए, उसका 60% को मैं 6 इक्वल SIPs में बनाऊंगा. तो मैं 6 महीने की एक SIP करूंगा. तो फर्ज करिए आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा 10,000 रुपए की मैं SIP शुरू करूंगा और उसको 6 महीने तक चलाऊंगा. जो बाकी के 40,000 होंगे ना, उसको मैं पार्क करके रखूंगा. आप वो एक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखिएगा जहां आपका कोई एग्जिट लोड नहीं है, मतलब उस फिक्स्ड डिपॉजिट में से निकलने के लिए आपको कोई पेनल्टी या कोई चार्ज नहीं देना पड़े, वो बहुत जरूरी है. एंड उस 40 रुपए को आप रखिएगा कि जिस समय भी आपको लगेगा यार मार्केट में बहुत टाइम हो चुकी है, दिस कुड बी अ गुड टाइम टू बाय, आप उस 40% को डिप्लॉय करेंगे. That is the only demand that you will apply. इसमें भी मैं जैसे बोल रहा हूं टाइम द मार्केट ही कर रहे होंगे तो मोस्ट लाइकली आप गलत ही होंगे. बट वट यू स्टिल डन इज 60% अपने SIP में डाल दिया है, 40% आप कभी टाइम करने की कोशिश करेंगे तो अगर गलत भी हो गए, जो कि होने ही वाले मोस्ट लाइकली, तो देन दैट 60% विल टेक ओवर, वो आपको एवरेज आउट करके एक अच्छा प्राइस दे देगा. दैट इज हाउ आई इन्वेस्ट माई लमसम, दैट इज हाउ आई वुड रेकमेंड यू टू इन्वेस्ट योर लमसम एज वेल. और वो म्यूचुअल फंड्स में करिए, इक्विटी में करिए और लॉन्ग टर्म के लिए करिए. तो ये थे 9 हैक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए. इसमें से कौन सा हैक आप यूज करेंगे 2023 में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपके पास कोई नया हैक है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट विल बी इमेंसली वैल्यूएबल, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.